राम रहीम के सिरसा डेरे में एक शख्स को डेरे के सेवादारों से अपनी जान बचाने के लिए तलवार चलानी पड़ गई। तलवार चला रहे इस शख्स को डेरे के सेवादारों ने जमकर पीटा है। अगर वक्त रहते पुलिस डेरे में ना पहुंचती तो शायद इस शख्स की जान भी जा सकती थी। लेकिन सवाल यह है कि तलवार चलाने वाला यह शख्स क्यों है, कौन है और डेरे के सेवादारों ने इसको क्यों पीटा? इस घटना के बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राम रहीम के डेरे में कुछ गड़बड़ है। राम रहीम के जेल जाने की वजह से सुर्खियों में आया सिरसा का डेरा एक बार फिर जंग का मैदान बना। दरअसल यहां डेरे के अंदर मौजूद एक शख्स के हाथ में जैसे ही डेरे के सेवादारों ने तलवार देखी, वैसे ही लाठी डंडों से लैस डेरे के सेवादार इस शख्स पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। डेरे के सेवादारों ने इस शख्स को जमकर पीटा, किसी ने इस शख्स पर लाठियां बरसाई तो किसी ने लात, जिसका जैसा मन चाहा उसने इस शख्स को बेरहमी से पीटा। इस शख्स ने हथियारों से लैस डेरे के सेवादारों से बचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन डेरे के सेवादारों ने इस शख्स की एक न सुनी, जिसके बाद मजबूरन इस शख्स को तलवार का सहारा लेना पड़ा। इस शख्स ने अपनी जान बचाने के लिए डेरे में जमकर तलवार चलाई। ये मामला 1 फरवरी 2018 का है, जब डेरा का ही अनुयायी गुरदीप सिंह, जो कि भटिंडा का रहने वाला है, अपने परिवार के साथ डेरे में आया हुआ था। डेरे में आलू की खुदाई का काम कर रहा था, तभी वहां उसे मिट्टी में एक तलवार नजर आई। तलवार लेकर गुरदीप डेरे के लोगों को देने ही जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने इस पर लाठी डंडों से मारपिटाई शुरू कर दी। क्या कुछ हुआ उस वक्त, आप भी देखिए इस वीडियो के जरिए पूरा माजरा। गनीमत ये रही कि वक्त रहते पुलिस डेरे पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने डेरे में मौजूद हथियारों से लैस सेवादारों के चंगुल से इस शख्स को छुड़ाया और इसके बाद पुलिस इस शख्स को अपने साथ थाने लेकर गई। थाने में जाने के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो अपने आप में चौंकाने वाला था, कई सवाल भी खड़े कर रहा था। सबसे पहले आप सुनिए कि जिस शख्स पर हमला हुआ वो कौन था, डेरे में जंग शुरू होने की नौबत आखिर क्यों आई। ये 1 फरवरी का मामला है, गुरदीप सिंह जटसी बठिंडा का रहने वाला है, ये डेरे में सेवा के लिए आया हुआ था और इसके साथ इसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। तो आलू की खुदाई का काम कर रहा था तो वहाँ उसको कोई तलवार मिल गई थी, इसने तलवार उठा के वहाँ के लोकल जो आदमी हैं डेरे में रहते हैं उनको देने के लिए जा रहा था, तो इस पे 5-4 व्यक्ति इससे हाथापाई की कोशिश करने लगे, डंडे डूंडे थे उनके पास, तो इसने अपने बचाव में वो तलवार निकाली थी। उसके बाद इसको पुलिस चौकी में लाया गया था, वहाँ पूछताछ की गई तो इसने बताया कि मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ में सेवा के लिए यहाँ आया हुआ था और डेरा वालों को बुलाया गया, उन्होंने वेरीफाई कर लिया, वो कहने लगे कि ये डेरा का अनुयायी है और गलतफहमी में हमने इसको पकड़ लिया था, जिसकी रोजनामचे में रिपोर्ट लिखी गई और फारिग किया गया उसको। मना कर गए थे वो डेरे वाले, वो कहने लगे क्योंकि लॉकेट था उसके, उस पर नंबर रजिस्टर्ड थे, तो उन्होंने वेरीफाई कर लिया था भाई ये डेरा का अनुयायी है और गलतफहमी में ये बातें हुई है, इसलिए कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया और ना ही वो उन्होंने कोई एप्लीकेशन मूव की कोई कार्रवाई के लिए। अब इस पुलिस अधिकारी के पूरे बयान का वो हिस्सा आपको सुनाते हैं जो इस मामले पर कई सवाल खड़े कर रहा है। गुरदीप सिंह जटसी बठिंडा का रहने वाला है, ये डेरे में सेवा के लिए आया हुआ था और इसके साथ इसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। तो आलू की खुदाई का काम कर रहा था तो वहाँ उसको कोई तलवार मिल गई थी, इसने तलवार उठा के वहाँ के लोकल जो आदमी हैं डेरे में रहते हैं उनको देने के लिए जा रहा था, तो इस पे 5-4 व्यक्ति इससे हाथापाई की कोशिश करने लगे, डंडे डूंडे थे उनके पास, तो इसने अपने बचाव में वो तलवार निकाली थी। सुना आपने, सिटी SHO साहब को जांच के दौरान ये पता चला कि जिस शख्स की पिटाई हुई है वो डेरे का ही अनुयायी है और उसे डेरे में आलू की खुदाई के दौरान जमीन में दबी हुई तलवार मिली थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर डेरे की जमीन में और कितने हथियार दफन है, क्या डेरे की जमीन के नीचे हथियारों का जखीरा दबा हुआ है, डेरे के अनुयायी को जमीन में दबी तलवार कैसे मिली, क्या राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद जमीन में दबाए गए थे डेरे के हथियार। इसके अलावा डेरे की कार्यशैली पर भी खड़े हो रहे हैं सवाल। मामले के पुलिस के पास पहुंचने के बाद डेरे ने उस शख्स को डेरे का ही अनुयायी बताया है,
जिसे पीटा गया है। अगर डेरे में हथियार दबा हुआ मिला है तो डेरे के अनुयायियों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी? क्या डेरे के लोग इस मामले में शिकायत ना देकर किसी बड़ी आफत से बचना चाहते हैं? क्या डेरे के लोगों को डर है कि अगर उन्होंने इस मामले की शिकायत की तो डेरे में दफन कई और राज बाहर आ जाएंगे? क्या डेरे के लोग पुलिस के डेरे में आने से डर रहे हैं? क्या डेरे के लोग ये चाहते हैं कि पुलिस डेरे में ना आए और डेरे की जमीन में दफन हथियारों की तलाश ना करे? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस घटना के बाद लोगों के जहन में उमड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी कि क्या इन सवालों का जवाब किसी को मिल पाएगा? टोटल न्यूज के लिए सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट।